तो दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ इस माइक का रिव्यू देखना है, मेरा थोड़ा देखना आपको पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये बात नहीं करते, इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा B1M1 माइक। इसको मैं 15 डेज को यूज करने के बाद इस वीडियो को बना रही हूं ताकि आपको एकदम से ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं। आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे मेरे वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सारे ऑनेस्ट रिव्यू मैं करती हूं, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोलती हूं और उनको छोटा भी करके नहीं बताती हूँ। तो आज इस वीडियो में करूंगी इसका खुलासा। ये ऐसे पैकेजिंग में आता है, पीछे इसका सब डिटेल्स दिया जाता है और ये जो मार्क यहाँ पे है, देखिए ये जो मार्क है ये आपको बताता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या फिर डुप्लीकेट। अगर आपको ये माइक खरीदना है ओरिजिनल वाला तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसी से जाके खरीदे तो ये वाला आपको ओरिजिनल प्राइस में मिलेगा, ओरिजिनल बायर भी मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डुप्लीकेट भी बिकता है और आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। पहले तो इस बॉक्स में आता है ऐसा एक मैनुअल जिसे पढ़ के आप एकदम से सब कुछ सीख जाएंगे, एकदम ज्ञानी बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। और उसके बाद आता है ऐसा एक पाउच, पाउच में लिखा होता है बोया, और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है, सिर्फ बोया लिखा हुआ है। और ये एक ऐसी छोटी सा थैली होता है ना, हम थैली लेके जाते हैं, वैसा ही एक पाउच है। और इसके अंदर है ये अडप्टर। अडप्टर क्या करता है, आप अगर किसी DSLR में यूज करते हैं इस माइक को तो ये वाला चीज आपको जरूरत पड़ेगा। और उसके साथ दिया गया है बैटरी, ये वाला है बैटरी, ठीक है, छोटा सा गोल बैटरी आता है, DSLR में यूज होता है आपका, क्योंकि ये वाला जो चीज है ये आपका DSLR के लिए जरूरत पड़ता है। इसका वायर बहुत ज्यादा लंबा है क्योंकि अगर आप किसी भी होम टूर दिखा रहे हैं या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं घूम घूम के तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसका वायर बहुत ज्यादा 20 फीट तक लंबा है। ये कहता है कि बहुत ज्यादा लो हैंडलिंग नॉइज करता है, क्लिप ऑन माइक है जितने यहाँ पे माइक लगा रखा है। अच्छी बात है इसका, ये आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन, आईफोन, DSLR, कैमकोडर्स सब में यूज कर सकते हैं। ऐसा एक बहुत ही ऑल इन ऑल है, PC में भी यूज कर सकते हैं आप इसको। और एक बहुत ही हाई क्वालिटी का कंडेंसर इन आइडल फॉर वीडियो यूज लिखा हुआ है। लो हैंडलिंग नॉइज के बारे में जो इसने क्लेम किया है उसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, जी नहीं, अगर आप इसको फैन ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा साउंड आने वाला है ऐसे करके, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आपको पता है, उसको यूज करके आप अपना वॉइस क्वालिटी को हाई कर सकते हैं और जो नॉइज क्वालिटी है उसे लो कर सकते हैं। अगर आपके इसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वीडियो लेके जल्दी से आ जाऊंगी। खरीदने का मकसद यही है कि मैं अपने वीडियोस में ऑडियो क्वालिटी को थोड़ा यहाँ से यहाँ लेना चाहती थी। इसका जो वॉइस क्वालिटी अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आई बटन में दे दूंगी वीडियो, उसे आप चेक कर लीजिए और फिर से आके मेरा ये वीडियो आप चेक कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप सिंपल एक माइक से कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे आपका ईयरफोन का माइक होता है, और इस माइक से अगर कर रहे हैं तो आपको डिफरेंस जरूर पता चलेगा, क्योंकि ये माइक है दोस्तों और वो ईयरफोन का माइक है, सिर्फ फोन में बात करने के लिए। बहुत ज्यादा जोर जोर से सुनाई देगा उधर से तो क्या हो, कान नहीं कट जाएंगे जो बात कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि अगर आप लोग नए यूट्यूबर है, इसे आप परचेज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा जरूर ये समझ में आ गया होगा कि ये आप खरीदे कि या ना खरीदे। लेकिन आपको मैं ये सजेशन करूंगी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में दिया गया लिंक से ही खरीदे ताकि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, डुप्लीकेट लेके पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बता दूं, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ऑडियो क्वालिटी को भी जरूर से ध्यान दीजिए। चलती हूँ, मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी आपके साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों को भी पता चले इस रिव्यू के बारे में। एनीवे, टाटा।